अभी एक बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर मॉडर्न स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी की घटना सामने आई है। स्कूल में काम करने वाले मजदूर पर आरोप लगा है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो गया। क्लास टीचर से लेकर हेड मिस्ट्रेस सहित चार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रिंसिपल क्लास टीचर पर दरअसल जानबूझकर मामले को दबाने का आरोप लगा है। नोएडा के सेक्टर 12 में है मॉडर्न जूनियर स्कूल, जहां की यह घटना बताई जा रही है। तो प्रिंसिपल से लेकर तमाम लोगों पर गंभीर आरोप। नोएडा के सेक्टर 12 में यह जूनियर स्कूल है मॉडर्न स्कूल। नोएडा के मॉडर्न स्कूल में छेड़खानी की घटना सामने आई। आरोपों के घेरे में एक मजदूर है, स्कूल में काम करने वाला मजदूर, जिस पर यह इल्जाम लगा है। फिलहाल पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। क्लास टीचर से लेकर हेड मिस्ट्रेस सहित चार को गिरफ्तार भी किया गया। प्रिंसिपल पर यह आरोप लगा है कि दरअसल मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। तो दिल्ली से सटा नोएडा, जहां सेक्टर 12 में यह स्कूल एक नाबालिग के साथ छेड़खानी की घटना हुई है। एक मजदूर वहां पर काम कर रहा था स्कूल में, जिसके ऊपर यह गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल कठोर कार्रवाई की जा रही है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अंकित, और क्या जानकारी मिल पा रही है? माफ करिएगा अंकित, कौशिक है। अंकित बताइए। अंकित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो बताइए, क्या जानकारी और मिल पा रही है आपको? आवाज नहीं जा पा रही है शायद, मैं उनको सुन नहीं पा रहा हूं। अभी एक बार फिर से आपको बता दें, अभी की बड़ी खबर है प्रिंसिपल से लेकर क्लास टीचर पर जानबूझकर मामला दबाने का आरोप लगा है। ऐसे में सभी लोग शक के दायरे में हैं।